फाइनली 8.5 घंटे के बाद व्यूअर्स हम लैंड हो चुके हैं ज्यूरिख एयरपोर्ट पे, और बहुत कंफर्टेबल जर्नी थी। बेसिकली डायरेक्ट फ्लाइट थी तो इतना ज़्यादा हमें थकावट नहीं महसूस हुई। तो ये बाहर सारे स्विस एयरलाइंस के ही फ्लाइट खड़ी हुई हैं। तो एक यहाँ पे देखिए, सबसे अच्छा ये है कि यहाँ पे आप देखेंगे लोग एकदम प्लेन रुकते ही खड़े नहीं हो जाते, तो ये अच्छा है। और अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब बाहर निकले एयरपोर्ट के और इस शानदार स्विट्ज़रलैंड के माहौल को एंजॉय करें। तो हम लोग एयरपोर्ट आ चुके हैं ज्यूरिख, और सुबह के यहाँ के बज रहे 10:30 हैं आरती, और ये रहा हमारा प्लेन जिसमें हम आए। ये है स्विस एयरलाइंस का प्लेन, और कितना सुंदर एयरपोर्ट है आरती। अलग ही लग रहा है ना यहाँ, अलग ही लग रहा है यार बिल्कुल। और यहाँ पे थोड़ी ठंडक भी है ना, ओनली 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है आरती है। अब तो हमारी ट्रिप शुरू हुई है, अभी हम पहुंचे हैं ज्यूरिख एयरपोर्ट, हमारा लगेज क्लेम कर लेते हैं। सो वेलकम बैक व्यूअर्स नाउ टू आवर व्लॉग ऑफ स्विट्जरलैंड। तो अब से हमारी जर्नी शुरू हो रही है, हम अभी एयरपोर्ट आए हैं ज्यूरिख में। हम यहाँ से बैग लेंगे, देखते हैं अगर सिम कार्ड हुआ तो हम सिम कार्ड भी यहीं से लेंगे, और बैग लेके हमें पकड़नी है यहाँ से ट्रेन फॉर इंटरलेकन। तो हम इंटरलेकन की ट्रेन यहाँ से अभी पकड़ेंगे। पहले तो बैग वैग ले लें, यहाँ पे भी इमिग्रेशन हमें क्लियर करना है। और बहुत ही सुंदर ये तरफ भी दिखाऊँ मैं, और एकदम खाली है पूरा, आप देखिए। तो अभी हम चलते हैं हमारे बैग क्लेम करने, और आगे आपको और बताते हैं कैसा है यहाँ का माहौल। पर बहुत फीलिंग मस्त हो रही है, सारी थकावट एकदम से मिट गई है आरती। बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो हम लोगों का इमिग्रेशन हो गया, और यहाँ पे ज्यूरिख में पहली बात तो पीछे जो है वो ना इमिग्रेशन काउंटर्स थे। तो हम यहाँ ज्यूरिख में बहुत हमने सही लगा, क्योंकि विद इन हमारा 10 मिनट्स में इमिग्रेशन हो गया। तो यहाँ पे बहुत अच्छा है, एयरपोर्ट पे भीड़ नहीं है ज़्यादा। और अभी हम बढ़ रहे हैं हमारे बैगेज क्लेम के लिए। तो लगेज क्लेम कर दो। तो ये आरती देखो, ये आरती बैग क्लेम करने के बाद सीधा रवानगी। बाहर का मौसम एकदम जबरदस्त हो रहा है। हाँ, बहुत ठंडा लग रहा है, मज़ा आ जाने वाला है व्यूअर्स, मज़ा फुल। तो ये हम लोग आ चुके हैं बैग क्लेम एरिया में व्यूअर्स। वैसे हमारे को अच्छा ये रहा 21 बेल्ट पे हमारा आने वाला था, और ये कितना शांत है एकदम। तो ये बोलना चाहते थे कि हमें वीज़ा मिला है 75 डेज़ के लिए, तो 75 डेज़ में हम 2-3 बार भी आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे मुश्किल से ही ऐसे देते हैं वो लोग, नहीं तो 15 दिन का ही मिलता है, पर हम भी शौक हो गए थे, हमें मिला था 75 डेज के लिए। तो अभी हम बैग क्लेम करते हैं हमारे वाले पे, और फिर हम यहाँ से निकलते हैं। हाँ, पहले तो हमें ज्यूरिख एयरपोर्ट की यहाँ से ट्रेन लेनी है आरती, ज्यूरिख के मेन रेलवे स्टेशन के लिए, और वहाँ से हमें मिलेगी इंटरलेकन के लिए। हम लोग है ना व्यूअर्स ज्यूरिख में स्टे नहीं कर रहे हैं, हम सीधा इंटरलेकन ही जा रहे हैं, तो हमारी होटल वहाँ पे बुक्ड है। तो हम लोग अभी हमारा बैग लेके जा रहे हैं बाहर। तो हमारे सामने यहाँ पे ज्यूरिख का, और अब हम देखते हैं आरती, आई थिंक वी शुड बाय अ सिम कार्ड फॉर डेटा कनेक्टिविटी। और ये यहाँ पे ज्यूरिख ड्यूटी फ्री शॉप बहुत बड़ी है, तो आते वक्त आरती देखेंगे यहाँ पे कुछ अच्छा हो तो। फर्स्ट वी हैव टू गो टू ट्रेन स्टेशन। तो यहाँ पे ज्यूरिख से आपको ट्रेन मिलती है, ज्यूरिख एयरपोर्ट का स्टेशन है आई थिंक ज्यूरिख फैग हुई, अरे कुछ अजीब सा नाम है। वहाँ से आपको ज्यूरिख HB मेन रेलवे स्टेशन जाना होगा, और ज्यूरिख HB मेन रेलवे स्टेशन से आपको लुजर्न इंटरलेकन हर जगह की कनेक्टिविटी मिलेगी।
तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम लोग अभी आ चुके हैं एयरपोर्ट के बाहर और अभी हम लोग जा रहे हैं ट्रेन स्टेशन। फर्स्ट हम देखेंगे कि हमें कोई यहाँ पर अच्छी सी शॉप मिल जाए अगर सिम कार्ड की। और आप देखिए ये एयरपोर्ट कितना, तो ये यहाँ का पूरा वो है और यहाँ पे आप देखिए ट्रेन स्टेशन ले सकते हैं जस्ट आप बैगेज क्लेम करके। तो यहाँ से हमने अराइवल करा और अभी हम बाहर निकल के इस वाले गेट से अंदर जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेन स्टेशन, बस स्टेशन, सब कुछ यहाँ पर है। और हमने ऑलरेडी स्विस पास ले लिया है व्यूअर्स, इंडिया से ही, जो कि वेबसाइट थी swisstours.com इंडिया की ही। तो अभी हम सीधा ट्रेन में चढ़ सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत ही ऐसे कुछ ज़्यादा टेंशन लेने का और सबसे बड़ी बात है आरती, हम लोग ट्रेन से बैग लेने आए व्यूअर्स। हम लोग जैसे ही एयरपोर्ट से उतरे, हम लोग ट्रेन से करीब 5 मिनट्स की राइड करके बैग क्लेम करने आए। तो आरती वो रहा, वहाँ से नीचे उतरना है। तो इधर से आपको नीचे जाना है, यहाँ पे आपको पूरा मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको अगर कुछ खाना पीना है तो आपको सब वो भी मिल जाएगा। और आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर ट्रेन्स की लिस्ट भी रहती है बोर्ड पे, जिससे आप चेक कर सकते हैं कौन सी ट्रेन है। तो हम लोगों ने सिम कार्ड ले लिया सनराइज कंपनी का, 20 Swiss francs में मिला हमें और फॉर 8 days अनलिमिटेड इंटरनेट एंड कॉल्स। सो अभी हम लोग है ना जा रहे हैं ट्रेन के लिए। यहाँ सामने देख रहे होंगे हम ट्रेन जाएंगे अभी अंडरग्राउंड। अच्छा यहाँ पर है, तो यहाँ से अभी हम अंडरग्राउंड ट्रेन पकड़ेंगे हमारी इंटरलेकन के लिए आरती। सो ये रहा ना नीचे अंडरग्राउंड। हेलो व्यूअर्स, तो मैं और आरती बैठ चुके हैं ट्रेन पे ज्यूरिख एयरपोर्ट के स्टॉप से। एंड आप हमारे पीछे देख सकते हैं, हम जा रहे हैं इंटरलेकन बर्न होते हुए। तो अभी हम जाएंगे, पहले हमारा स्टॉप आएगा ज्यूरिख मेन स्टेशन, वहाँ से हम जाएंगे बर्न। बर्न से हमें ट्रेन चेंज करनी है और हम इंटरलेकन के वेस्ट वाले एक स्टॉप है वहाँ जाएंगे। इंटरलेकन में 2 स्टेशन है, इंटरलेकन ईस्ट और इंटरलेकन वेस्ट। हमारा जो होटल है इंटरलेकन में, वो जस्ट इंटरलेकन वेस्ट के बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस में है। तो हम इंटरलेकन वेस्ट जा रहे हैं, तो हमें पहुँचने में लगेंगे लगभग 1-2 आवर्स मान लीजिए आप। और इतना अच्छा लग रहा है आरती, कोई नहीं है, हम लोगों ने यहाँ पे पूरी सीट पे कब्जा करके रख लिया है। ये लगे सामने की तरफ रखा हुआ है और फुल एकदम माहौल। और अब हम क्या है कि डेटा से कनेक्ट हो चुके हैं आरती हैं, तो अलग ही लेवल का मजा है। और अभी हम टनल से जा रहे हैं कोई, और थकान उतर गए। और आपको बता दूं 26 francs में आपको सिम मिल रही है सनराइज की और 8 दिन के लिए अनलिमिटेड डेटा। तो अभी तो हम लोग बैठ के बस है ना बाहर की सीनरी एंजॉय करेंगे और आपको बताएंगे सीनरी कैसी है बाहर की। और साथ ही साथ आरती, हाउ इट इज फीलिंग, हाउ इज द जोश? बहुत ही हाई है और मुझे तो अभी ऐसे लग रहा है इधर बैठो और बाहर ही देखती रहो। हाँ, तो अभी सीनरी शुरू हो गया, आपको सीनरी बताते हैं। सो वी आर एंजॉयिंग अ लॉट, ये मतलब हम लोगों ने स्विस पास ले लिया है व्यूअर्स 8 डेज का। एंड 8 डेज के स्विस पास का हमने अपना वो कहते हैं ना सॉफ्ट कॉपी मोबाइल में रखा है। तो हमारे यहाँ पे जैसे वो TT आता है, ऐसे यहाँ पे आए, उन्होंने सीधा मोबाइल पे हमारा स्विस पास स्कैन किया और बस चलो। मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि आप अपना स्विस पास खरीद लीजिए और उसके बाद आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाए। हमने जो स्विस पास लिया है वो लिया है swisstours.com से। तो वहाँ पे आपको इंडियन रुपीस के अंदर आप पेमेंट करेंगे और आपको बहुत सही है, वो स्विस एयरलाइंस की सब्सिडियरी है swisstours.com। तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा इस ब्लॉग में। और अभी हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, कितना सुंदर है बर्न शहर व्यूअर्स। तो हम लोग बर्न पहुंच गए हैं और यहाँ से हम ट्रेन अभी चेंज करेंगे। एक अलग ही वाइब्स आती है आरती, कुछ भी बोलो, एक अलग वाइब्स है यहाँ पे। बस आरती सेटल होना पड़ेगा इधर ही, मुझे भी ऐसे ही लगा। तो हम बर्न स्टेशन आ चुके हैं, अब हम यहाँ पे उतरेंगे बर्न से और हमारी ट्रेन दूसरी जो है वो इंटरलेकन वेस्ट स्टेशन के लिए कैच करेंगे। तो व्यूअर्स, हम लोग अभी कुछ
हाफ एन आवर में हमारे डेस्टिनेशन इंटरलेकन पहुंच जाएंगे। और यहाँ की ट्रेन सर्विसेज इतनी अच्छी है ना व्यूअर, और आज हमारी किस्मत अच्छी है कि हमें ट्रेन मिली जाती है। हम जैसे ही बर्न उतरे अगले स्टेप प्लेटफॉर्म पे गए और उसी समय ट्रेन आई इंटरलेकन वेस्ट स्टेशन की। तो आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ मैं कि है ना, वैक्सीनेशन जो कोविड वैक्सीनेशन है उसका कुछ भी ना तो मुंबई में पूछा, न ज़ूरिक में उतरने के बाद किसी ने हमसे कुछ पूछा वैक्सीनेशन के लिए, मतलब न वीज़ा के लिए कुछ भी नहीं पूछा। मतलब ज़ूरिक में तो ऐसा लग रहा था जैसे कि आप नॉर्मल कोई डोमेस्टिक है ना ट्रेवल करके आए। और हम दोनों अभी हमारी फैमिली और फ्रेंड्स वालों से है ना बातें कर रहे थे, और सब लोगों को हमने थोड़ी बहुत है ना यहाँ का व्यू दिखाया वीडियो कॉल पे, एंड एवरीवन वाज लाइक ये क्या है। हम लोग अभी तक है ना मतलब बस एंजॉय कर रहे हैं हर एक मोमेंट को। यहाँ पे यहाँ का सामने की तरफ आपको दिख, वहाँ पे एक पूरा का पूरा बड़ा सा माउंटेन है और उसके ऊपर इतना अलग ही लेवल के है ना बादल हैं। मैं और आरती है ना बस यही कहना चाहते हैं, एक तो यहाँ का ट्रेन सिस्टम बहुत अच्छा है, ट्रेन का जो यहाँ का सिस्टम है ना वो तो बहुत फाड़ है। स्विस पास ले लो और टेंशन फ्री होके घूमते रहो बस। ये देखिए आप कितना जबरदस्त यहाँ का नजारा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे व्यूअर्स, क्या जबरदस्त लग रहा है इंटरलेकन। धरती पे स्वर्ग है व्यूअर्स, धरती का स्वर्ग। तो व्यूअर्स ये देखिए आप, हम लोग लेक के साथ साथ ट्रेन में चल रहे हैं, और आप ये देखिए हमारे साथ कार भी चल रही है। आप देखिए ये, इससे सुंदर नजारा तो आप व्यूअर्स कुछ हो ही नहीं सकता है। तो हम लोग इंटरलेकन हमारे स्टॉप पे उतर चुके हैं फाइनली 1-2 आवर्स के बाद, और आए थे वो ट्रेन अभी यहाँ से प्रोसीड कर रही है। तो ये है यहाँ का स्टेशन इंटरलेकन, और अब हम जाएंगे हमारी होटल। यहाँ से मुश्किल से 100 मीटर्स भी नहीं आती है, तो पैदल पैदल जाते हैं होटल पे और एंजॉय करते। कैसा लग रहा है व्यूअर्स, हम लोगों ने जो रास्ते में अभी सीनरी देखी ना उसके बाद हमारे पास कुछ है ही नहीं ऐसा कुछ कहने के लिए। और देखो इंटरलेकन वेस्ट का पूरा स्टेशन आप देखिए, और फुल माहौल है एकदम है आरती, फुल माहौल। आरती और हम लोगों को इतना अच्छा लग रहा है व्यूअर्स, क्योंकि बहुत टाइम के बाद हम आए हैं और पहली बार यूरोपियन कंट्री में आए हैं, वो भी स्विट्जरलैंड। तो आपको दिखाऊं मैं कैसा लग रहा है, हमारी होटल मुश्किल से यहाँ से 100 मीटर से। तो हम व्यू देखिए आप, व्यू ये होता है कातिल व्यू। और भी है, मैं अभी विनीत को बोल रही थी, वो गाना याद आ रहा है, ये कहाँ आ गए हम, लिटरली ये कहाँ आ गए हम, इससे जबरदस्त चीज कुछ हो नहीं सकती है आरती। और हमें लग ही नहीं रहा है कि हम इतना थकावट कहीं उड़ी गई हमारी। और जो अभी हमने जो नजारे देखे ना वो लेक थून के, और हम 2 दिन बाद जिस जगह पे है ना होटल में चेक इन करेंगे ना वो और जबरदस्त जगह है। और आइए हम लोग चलते हैं हमारी होटल। तो सामने की तरफ आपको दिखेगा होटल मरकर करके हमने लिए, हमने वो सिर्फ 2 दिन के लिए लिए क्योंकि हमें शुरुआत में हम चाह रहे थे कि रेलवे स्टेशन के आसपास ही हमें मिले ताकि हम इजीली है ना। ये रही देखिए आप, दिखाता हूँ मैं आपको मरकर होटल। वो देखिए आप, होटल मरकर आपको दिख रही होगी, ये देखिए होटल मरकर लिखा हुआ है। तो वो हमारी होटल है, हम फटाफट वहां से वो कर लेंगे। और यहाँ पे बस स्टैंड भी यहीं पर ही है।
तो चलो हम होटल के अंदर चेक इन कर लेते हैं। ये हमारी होटल है मरकत, और फिर आपसे मिलते हैं। तो हम लोग अभी हमारे होटल में चेक इन करके और ऊपर आए हैं। रूम नंबर हमें मिला 28 और सेकंड फ्लोर पे है, और सिंपल सा रूम है, बेसिक रूम है। बेसिकली हम लोगों ने ये इसलिए सेलेक्ट करा था क्योंकि इनिशियली हमें आज एक तो हमें ट्रेन की एक्सेसिबिलिटी चाहिए थी दो दिन के लिए, स्पेशली आज और कल के लिए, क्योंकि ट्रेन स्टेशन जस्ट इस होटल के सामने जैसा हमने आपको बताया, और एकदम फुल आप बाहर जाओ और आपको एकदम पूरा इधर आसपास अच्छा मार्केट भी है, क्योंकि आज अभी हम थोड़ी देर में जाने वाले हैं जी स्टार्ड, जहाँ पे है बॉलीवुड की जबरदस्त दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जहाँ पे बहुत सारे सीन शूट हुए थे और जहाँ पे बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज स्टे करते हैं। तो एक छोटा सा टाउन है जो यहाँ से इंटरलेकन से 1.5 घंटे की ट्रेन जर्नी पे, तो हमें स्पेशली आज वो कवर कर लेना था क्योंकि हमारे पास आज फुल डे नहीं है, 2:30 बज चुके हैं यहाँ पे दोपहर के। तो कल हम जहाँ जाने वाले वो हम आपको बताएंगे आने वाले ब्लॉग में। और सिंपल सा रूम है, अगर मैं आपको ये छोटा सा एक बेड है, यहाँ पे कबर्ट है, टीवी छोटा सा इधर दे रखा है, और ये देखिए आप व्यू, और यहाँ पे पैराग्लाइडिंग कितनी हो रही है वो आप देखिए, यहाँ पे ये देखिए आप कितनी पैराग्लाइडिंग हो रही है यहाँ पे, कितने लोग पैराग्लाइड कर रहे हैं। तो ये छोटा सा हमारा पीछे का है, फ्रंट फेसिंग वाले रूम फुल थे तो वो मिले नहीं हमें, बट एनीवेज हम लोग वैसे भी यहाँ पे आज और कल ही हैं, इतना ज्यादा हमें कोई वो नहीं है, क्योंकि हम जो परसों जिस होटल में जाने वाले हैं ना वो नंबर 1 एकदम होटल है, तो उसका अलग ही नजारा है। तो हम लोग अब है ना थोड़ा सा फ्रेशन अप हो रहे हैं। इस होटल का नाम है होटल मरकर, और जो भी टैरिफ और सब कुछ है हम आपको बताने वाले हैं कि सब जब ये स्विस की पूरी ट्रिप के व्लॉग्स खत्म हो जाएंगे हमारे, उसके बाद हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको हर एक चीज का मतलब जो भी आप कह सकते हैं टैरिफ कह लीजिए या जो भी हमें पैसा लगा वो सब बताएंगे। तो अभी तो फिलहाल हम फ्रेश हो रहे हैं, फ्रेशन अप होके हम जा रहे वाले हैं बाहर थोड़ा, पहले हम थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे पिएंगे, ऐसे हम हमारे साथ भी कैरी कर रहे हैं फूड, कुछ रेडी टू ईट वाला तो अभी नहीं खा रहे, पर हमने कुछ है ना ऐसे ही चिप्स और कुछ हमने रखा हुआ है, थोड़ा वो खाएंगे क्योंकि हम रात को ही डिनर करेंगे अच्छे से। और फिलहाल हम आपको बता ही चुके हैं कि जी स्टार्ट हम सोच रहे हैं जाने के लिए, तो हमें वहाँ पे पहुँचने में भी टाइम लगेगा। सबसे बड़ा फायदा क्या है कि यहाँ पे जो अंधेरा होगा वो 9:30 बजे तक होगा, तो हमारे पास एटलीस्ट 6 आवर्स है तो हम एंजॉय कर सकते हैं। तो अब आपके लिए हम शुरू करने जा रहे हैं स्विट्जरलैंड के जबरदस्त ब्लॉग्स। वैसे आपको हमने अभी स्विट्जरलैंड से जैसे हम ज्यूरिख लैंड हुए और कैसे हम है ना इंटरलेकन आए वो वाला भी आपको ये ब्लॉग में हमने सब कुछ बताया। पूरी उम्मीद है कि अब आपको आने वाले ब्लॉग्स में और जबरदस्त माहौल देखने मिलेगा, हम तो ऑलरेडी है ना फिदा हो चुके हैं। तो जी स्टार्ट के लिए जब निकलेंगे तब शुरू करते हैं अगला व्लॉग, और मिलते हैं आपसे फिर अगले शानदार वाले स्विस व्लॉग में।